गाइस इन दिनों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर साउथ सुपरस्टार प्रभात स्टार फिल्म कल्कि 2898 एडी टिकी हुई है और जमकर बवाल भी काट रही है। आपको बता दें इस फिल्म को आज सिनेमा घरों में रिलीज हुए 42 दिन पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम इस फिल्म के 42वें दिन की इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम इस फिल्म के 43वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में साल 2023 में रिलीज हुई शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान के 43वें दिन की इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिएगा। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रभात स्टार फिल्म कल्कि के बारे में। आपको बता दें ये एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 8000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म की स्टार कास्ट में हमें प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हसन, अमिताभ बच्चन, दिशा पाटनी और अन्ना बेन जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन नाग अश्विन ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 95 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 414 करोड़ 85 लाख, दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 128 करोड़ 50 लाख, तीसरे हफ्ते में 56 करोड़ 10 लाख, चौथे हफ्ते में 24 करोड़ 40 लाख, पांचवें हफ्ते में इस फिल्म ने 12 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 40वें दिन 50 लाख, 48वें दिन 48 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 42वें दिन यानी अपने छठवें बुधवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 50 लाख रुपए के रेंज में दमदार कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म कल्कि का टोटल 42 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 641 करोड़ 13 लाख रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का बजट 600 करोड़ रुपए के रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें फिल्म कल्कि 2898 एडी ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 1050 करोड़ 20 लाख रुपए के रेंज में धमाकेदार कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 43वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें ये फिल्म अपने 43वें दिन यानी अपने छठवें बृहस्पतिवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 40 से 50 लाख रुपए के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वही कैसे बात कर लेते हैं शाहरुख खान स्टारर फिल्म जवान के बारे में। आपको बता दें ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 10,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म की स्टार कास्ट में हमें शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, सान्या मल्होत्रा, अमृता अय्यर, प्रिया मणि, रिद्धि डोगरा और सुनील ग्रोवर जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन इटली कुमार ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को IMDb पर 7 out of 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 389 करोड़ 88 लाख, दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 136 करोड़ 10 लाख, तीसरे हफ्ते में 55 करोड़ 92 लाख, चौथे हफ्ते में 35 करोड़ 63 लाख, पांचवें हफ्ते में इस फिल्म ने 9 करोड़ 71 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 41वें दिन 62 लाख, 42वें दिन 52 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 43वें दिन यानी अपने 7वें बृहस्पतिवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 42 लाख रुपए के रेंज में कलेक्शन किया था। इस तरह से फिल्म जवान का टोटल 43 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 638 करोड़ 3 लाख रुपए का हो गया था। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए के रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें फिल्म जवान का टोटल 43 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1141 करोड़ रुपए का हो गया था। वैसे कि आपको फिल्म जवान और कल्कि में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। वहीं ऐसी वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल मूवीज और अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।